बिहार के लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। खबर ऐसी है कि सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द ही अब बिहार को एक और बड़ा एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। इस एयरपोर्ट को बनाने को लेकर जो सबसे बड़ी बाधा सामने आ रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उसे दूर कर लिया गया है और जमीन संबंधित मामले पर सरकार ने अपना रुख भी साफ करते हुए हरी झंडी दिखा दी है। तो अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही बिहार के लोगों को पूर्णिया एयरपोर्ट के रूप में बड़ी सौगात मिल सकती है। एक लंबा इंतजार और लोगों की मांग को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि का प्रयास भी रंग ला रहा है। तो खबर के बारे में विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और सब कुछ अच्छे से जान लीजिए। और ये भी जान लीजिए कि पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई जहाज का सफर शुरू होने में और कितने दिन लग सकते हैं। दरअसल बिहार के पूर्णिया में एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार के द्वारा जमीन के गतिरोध को दूर कर लिया गया है। नीतीश सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। हवाई अड्डा निर्माण को लेकर 15 एकड़ भूमि से जुड़ी तकनीकी समस्या जो उत्पन्न हुई थी, उसे इस कैबिनेट की बैठक में दूर कर लिया गया है। दरअसल पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि जल्द ही पूर्णिया को एयरपोर्ट की सौगात मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि हवाई अड्डा बनने को लेकर कई समस्याएं आ रही थी, जिन्हें राज्य सरकार ने दूर कर लिया है। सीमांचल वासियों की मांग को देखते हुए एयरपोर्ट बनने का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ है। राज्य सरकार ने अपना वादा निभाया है। सांसद ने यह भी कहा है कि पूर्णिया के लिए इस मायने में यह दिन ऐतिहासिक होगा और यहां के लोगों के लंबे इंतजार को खत्म करने में सरकार की जो भूमिका बीच में आ रही थी, उसे भी अब पूरा कर लिया गया है। दरअसल लंबे समय से पूर्णिया से नागरिक विमानन सेवा आरंभ हो इसकी मांग हो रही थी और इसकी राह में 15 एकड़ भूमि से जुड़ी तकनीकी समस्या उत्पन्न हो गई थी। उसे कैबिनेट की बैठक में कहा जा रहा है कि दूर कर लिया गया है। राज्य सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा पूर्णिया के विकास के प्रति संजीदा रहे हैं, ये वहां के सांसद का कहना है। और पूर्णिया जिले में जो बदलाव दिखने वाला है या फिर दिख रहा है, उसका पूरा पूरा श्रेय जो है सांसद नीतीश कुमार को दे रहे हैं। सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा है कि मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार पूर्णिया हवाई अड्डे पर नए सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ राज्य सरकार के बीच शीघ्र ही MOU पर हस्ताक्षर होगा। राज्य सरकार वो तमाम सुविधा उपलब्ध कराएगी जिसकी जरूरत है, ताकि पूर्णिया से हवाई जहाज उड़ान भर सके और लोग यहां से हवाई जहाज का लुत्फ उठा सके। कुछ लोग मुख्यमंत्री के लगातार आश्वासन के बावजूद एयरपोर्ट मसले पर ओछी राजनीति कर रहे थे, जिसका अब पटाक्षेप हो चुका है, ये सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा है। और इसके साथ ही जो बड़ी खुशखबरी उन्होंने दी है वो ये कि पूर्णिया से अब जल्द ही लोग उड़ान भर सकेंगे। आपको पता है कि बिहार में पटना, गया और दरभंगा के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट को बनाने के लिए काफी दिनों से मांग चल रही थी और इसके लिए कई तरह की राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आ चुकी है। कई बार इसे लेकर बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, लेकिन अब जो है सरकार ने सबसे बड़ी बाधा को दूर करते हुए 15 एकड़ जमीन का जो मसला है उसे सुलझा दिया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।